हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। सबसे पहले तो मैंने आपको ये इन्फॉर्म करना है दैट आई हैव कम बैक टू इंडिया और मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी अवेलेबल इन दी ऑफिस। सो अगर आपने मुझे मिलना है तो आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस में। चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है जैसे आप जानते हैं, और गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हैं लोकेशन सेक्टर 17A में। बहुत सारी अपडेट्स हैं बिकॉज आई वॉज देयर इन UK फॉर द लास्ट 8-9 days और यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की वहाँ पे, और वहाँ पे स्टूडेंट से बात की, जिसमें से कुछ कॉन्वर्सेशन आपने देखी है, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शहर की, जहाँ मैं गया, इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, लार्ज यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बिल्कुल ही सिटी के अंदर ही है, और इस कैंपस में तकरीबन जैसे बोलूँगा कि जो एरिया है कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कवर होता है। उसके साथ ही कैंपस के इन हाउस अकोमोडेशन है, जिसे हम हॉस्टल बोलते हैं। कैंपस के पास होम स्टे के अरेंजमेंट्स हैं, घर हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं घर या पूरा घर ले लेते हैं, फ्लैट्स ले लेते हैं जहाँ पे इकट्ठे होकर रहते हैं। और साथ ही 2-3 बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मैं एक स्टूडेंट से मिला व्हाइल आई वाज शॉपिंग देयर। तो तकरीबन 3-4 शॉप्स में मेरे को जो लोग वहाँ पे सेल्समैन थे या सेल्स गर्ल्स थी वो थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शहर में काम करते हैं। और एक कॉन्वर्सेशन है मेरी वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शहर के 2 स्टूडेंट्स से जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे। इस वीडियो में आप देखेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। उस कॉन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी हैप्पी विद द स्टडीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शहर, और पार्ट टाइम जॉब वो कर रहे हैं वहाँ पे, और पार्ट टाइम जॉब में उनको £13 per hour मिल रहे हैं। अब आज की डेट में अगर आप लेके चलोगे ₹105 का पाउंड है, तो £13 per hour उनको जॉब आराम से मिल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शहर, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शहर। हाय गाइस, कैन आई बाय योर 2 मिनट्स एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, आई एम चंदू। ओके, आई एम स्टडीइंग डेटा साइंस मास्टर्स इन हर्टफोर्ड शहर यूनिवर्सिटी। वंडरफुल चंदू, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद? या, हैदराबाद। एंड यू? By the way, can I know? Yeah, my consultancy is Jupiter Consultants. I'm based out of Chandigarh. Okay. So I'm here to promote University of Hartford. Okay, okay. So that is why I'm just, visiting the university campus, talking to the students who are already studying here. Right, right. So just to have an idea for the students coming from northern part of India. Okay. So what is the experience studying in university? Yeah, I'm Dilip, I'm from Hyderabad, Telangana. Be a bit louder, Dilip. Yeah. Yeah, hi, I'm Dilip from India, Hyderabad. Compared to UK here, Hertfordshire is a better college, university in this area, because compared with Bedfordshire as well, if you see the ranking, Hertfordshire will be the best here. And I've seen the campus, it's a beautiful campus, so many facilities. Yeah, beautiful facilities and environment also. And nice environment. Yeah, they provide hostel accommodations as well. Okay, they provide the hostel as well. Yeah, and what are they charging for the hostels? Per week it is around 322. 320 per week? There are variants, three variants, like based on luxuries. Yeah. Okay, so you have taken the hostel accommodation? No, we are too bad. Okay, this is what the most of the Indian students do. Yeah, of course. So do you can't work? Can't get that much of him. Obviously. Right? Obviously. Yeah. So do you work part-time as well? Yeah, part-time. So where do you work in part-time? And we are working in Amazon Dunkstable warehouse. Okay. So there we have to pick and pack the items. So what are they paying you for per 1 hour? We are doing night shifts. Per hour we are getting £13. £13? Yeah. That's quite a good amount of money. So day shift they pay around 11. Okay, for day shift they pay £11 and for night shift they are paying £13. Yeah. So how long you've been here in? Came in last September and it's been a year for me. When the pandemic was there? Yes. तो जो स्टूडेंट वो काम कर रहे हैं उनको £13 per hour मिल रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर बच्चा 20 घंटे काम कर रहा है ड्यूरिंग द स्टडीज, तो £260 एक वीक में स्टूडेंट कमा रहा है, और एक महीने में वो आराम से तकरीबन £1000 से ज़्यादा कमा सकता है, जो कि लाख रुपए से ज़्यादा है। ये मैं आपको बड़ी कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ कि अगर आपने 20 घंटे ही काम करना है। यस, क्योंकि वहाँ पे बीच में सेमेस्टर ब्रेक भी होती है, फुल टाइम अगर आप काम करोगे तो ये मान के चलो 2 से 2.5 लाख रुपये आप महीने का आराम से कमा सकते हो, क्योंकि जो पाउंड की वैल्यू है करेंसी में
वो US डॉलर और कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आप देखिए स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या वो कहते हैं, क्या उनका यूनिवर्सिटी के बारे में ओपिनियन है। और अगर आप यूके में पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, खुद जाना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, इवन फैमिली बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।